दादा बजा के इतना वो राहु की बात कर रहे थे आप, तो सुबह से हम लोग वही बात कर रहे हैं। तो लाल किला में भी वो आगे जो डेवलपमेंट करते थे खान साहब, उसका उसका भी राव वो जरा समझाइए ना क्या है। हाँ ऐसा है उस्ताद अहमद जान तेरेखवा खान साहब बहुत सारे कायरों की राव उन्होंने बनाई बजाई है, बहुत ही बेहतरीन उनका बजाना था। अच्छा तुमने पूछा सवाल, तो राव ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सूक्ष्म सा कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको इनसे परिचित करवाता हूँ इनसे और जिनसे। ये है हमारे गुरु भाई श्री भास्कर पाटनकर जी, ये स्वरांगण प्रतिष्ठान के मुख्य विश्वस्त हैं और संस्थापक। ये मेरे गुरु भाई है श्री नितिन बरवे जी, ये भी बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। और ये मेरा शागिर्द है श्री स्वप्निल पैंगणकर, ये अभी एक साल हुआ मेरे से सीख रहा है। तो ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे राव के बारे में, जो उस्ताद अहमद जान तेरेखवा खान साहब ने बजाई थी, तो ये इसका जो अभ्यास उनके वादन से जो मिलता है सुनने को, इसका अभ्यास मेरे गुरुजी बापू पटवारी ने भी किया। फिर उन्होंने अलग अपने और खास अपने जो कायदे बजे हैं उसके कुछ राव बना के उन्होंने हमको सिखाया। तो ये जो लाल किला कायदा है बहुत ही बेहतरीन कायदा है, तो उसमें जो खान साहब बजाते थे सबको मालूम है। उसमें एक और बहुत अच्छा किस्सा है जो पंडित नारायण जोशी जी ने हमको बताया था, आपको भी शायद मालूम है लेकिन अभी इनको नहीं मालूम है, ये सबको मालूम होना भी चाहिए। ऐसी बात है जो दादी दादा दादी के ना तुना के ना दादी दादा कभी भी मैं गिना करता दादी के ना तुना दादी 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 देगी ना दादी देगी ना दादी के ना तुना के 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 ना, ये जो लंगर जोड़ा हुआ है ये उनके उस्ताद उस्ताद मुनीर खान साहब की कौन से लंगर बात कर रहे हैं। दादी के ना तुना के ना दादी के ना तुना के ना दादी के ना तुना के ना, इसकी जो सोच है ये कायदे को मिलाने की, ये उस्ताद मुनीर खान साहब की सोच है। जो खान साहब बजा देते हम लोग सब सुनते हैं। ये अभी नितिन बरवे जी ये लाल किला बजाएंगे, बहुत अच्छा बजाते हैं, तो हमें ये उसकी राव आगे चलेगी। एक्सप्लेनेशन देना सर, ये सब होने दो बाद में उसका एम है वो रोग के कैसा होता है पता चल। हाँ ठीक है, वो अच्छा है वो ना बहुत ही सही को। हाँ राव राव ये सब्जेक्ट इतना बहुत ही कुशल है, या हम बोलते हैं उसको भाई बहुत ही एक राव और रेले में एक सूक्ष्म सी रेखा है। तो जब वो रेला होता है तो राव कैसे होती है, और राव होती है तो रेला कैसे, तो ये जो फर्क है बहुत मतलब कम जानते हैं सब लोग। मुझे जो मेरे गुरुजनों से पता चला है, मैं जो सीख पाया हूँ तो मैं बताऊँगा उसमें भी, जो रेला चलता है तो रेले में आखिरी का जो अक्षर बनता है वो बंद है, व्यंजन बनता है और बंद है। आप कोई भी रेला देखिए, दादरा का भी रेला देखिए, धातरीगढ़ तक बंद है, आधा का रेला है दाक धातरीगढ़ बंद है, तीन ताल का रेला ले तो धातरीगढ़ वो भी बंद है। हाँ तो ये रेला है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा ऊपर उठ के जब जाते हैं अक्षर तो वही रहते हैं, या तो कायदा बनता है तो कायदे का जो एक उसका छवि बनती है, उस आकृति बनती है, कायदे की आकृति लगती है, लेकिन वो रौ में रूपांतरित होता है। तो रौ में मुझे जो समझा है कि उसमें रौ में सुरों का बंधन बना हुआ है, एक लाइन बनी हुई है। जैसे धादरी करते तुना करते धादरी करते तुना करते ये हम बंद हो रहा है, और इसी को खासा धारे सुर रखा उन्होंने रखा हुआ है। तो ये स्वरित जो होता है रेले का रूपांतर जो स्वरित में होता है वो राव की तरफ जाता है। उसे जैसे हम जब सुनेंगे कि ये फर्क क्या ये फर्क क्या, तो उसे पता चलेगा कि ये आप जब उसको अक्षर में लेकर आते हो, अक्षर में जब बजता है तो वो रेला हो जाता है। ठीक है, वो ऊपर की लय चलेगा, ऊपर की लय में भी जब अक्षर बजते तब तक रेला ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा जो अक्षरों का जो वजन होता है वो थोड़ा हल्का सा कम करे, उसको स्वरित में रूपांतर होता है तो वो रव की तरफ जाता है।
या ऐसा जो मुझे मेरे गुरु जी बाकी जी और नारायण जो बताया है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है नितिन जी आप शुरू कीजिए। ये जो अंगरामी बजाया था इन अब लगे ये उस्ताद मुनीर खान साहब की सोच है इस कायदे के साथ ही इसको अंदर को जोड़ा के इसकी रौनक है। कम नहीं है लेकिन बंद है
हमको बस खाली उसको करना है। बड़े बड़े जी ने बड़े बनाए हैं।